फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम दिखाएंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन का एग्जांपल क्या है और ऑपरेटर का टाइप्स, कितने टाइप्स का ऑपरेटर होता है। तो पहले मैं आ जा रहा हूँ एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑपरेटर, ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट, तीनों चीज लेके एक्सप्रेशन कंसिस्ट होता है। ठीक है, ऑपरेटर, ऑपरेंड्स एंड रिजल्ट एक भी किसी को छोड़ के एक्सप्रेशन नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जांपल एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 45, एक्स हेयर इज ए ऑपरेंड, वाई इज ए ऑपरेंड, जेड इज ऑपरेंड एंड इसमें ऑपरेटर हो रहा है प्लस माइनस एंड इक्वल टू, ये तीनों चीज हो रहा है इसमें ऑपरेटर एंड रिजल्ट 45 में दिखाई दिया। इसमें ऑपरेटर कौन सा, ऑपरेंड कौन सा एंड रिजल्ट कौन सा, या कौन सा चीज रिजल्ट है, ये तीनों चीज लेके एक्सप्रेशन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर इसमें 8 टाइप दिखाया हमने, एरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड स्पेशल टाइप ऑपरेटर, सॉरी स्पेशल ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। ओके, पहले दिखाएंगे व्हाट इज एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर मींस इस ऑपरेटर, इसमें एरिथमेटिक मींस गणितिक कैलकुलेशन करने के लिए इस ऑपरेटर यूज होता है। सपोज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड मॉड्यूल्स एटसेट्रा, ये सब चीज निकालने के लिए। ओके, प्लस क्या होता है, प्लस इसमें एरिथमेटिक ऑपरेटर का जो जो चीज, कौन सा एरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, प्लस होता है क्या, दो संख्या और दो ऑपरेटर, सॉरी इसमें ऑपरेटर में यूज करेंगे क्योंकि इसका ऑपरेटर का बात चल रहा है। ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स का एडिशन निकालने के लिए प्लस, दो ऑपरेंड्स का सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए माइनस, दो ऑपरेंड्स का मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए इनटू मींस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, दो ऑपरेंड्स का डिवाइड करने के लिए मॉड्यूल्स, रिमाइंडर निकालने के लिए एंड प्लस प्लस इट यूज इज, ये प्लस प्लस यूज होता है कोई भी एक ऑपरेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है ये समझने के लिए, एंड माइनस माइनस यूज होता है डिक्रीमेंट, डिक्रीज हो रहा है इसके, ये समझने के लिए कोई भी एक ऑपरेंट। लॉजिकल ऑपरेटर प्लस प्लस, सॉरी एंड इट, ये यूज होता है क्या, सपोज ए एंड एंड बी, दो ऑपरेंट बोथ आर, सॉरी बोथ आर ट्रू, ये समझने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज एंड यूज होता है, और यूज होता है दो ऑपरेटर्स का कोई भी एक ट्रू, ए ऑपरेंट्स का कोई भी एक ट्रू ये समझने के लिए, एंड यूज होता है, सॉरी नॉट यूज होता है ऑपरेंट्स, कोई भी ऑपरेंट्स फॉल्स ए होने में नॉट यूज होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या, लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें लॉजिकल ऑपरेशन चलता है करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर यूज होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है इसमें इक्वल टू, इक्वल टू मीन्स सपोज ए इक्वल टू बी, मीन्स ए, सॉरी ए इक्वल टू थ्री, मीन्स ए का वैल्यू थ्री, ए समझने के लिए इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, सपोज ए प्लस इक्वल टू बी, मीन्स इसको लिखा, हम लिखने का तरीका है a इक्वल टू ए प्लस बी, मीन्स ए समझने के लिए जो a प्लस इक्वल टू बी है, मीन्स a इक्वल टू ए प्लस बी, मीन्स क्या हो रहा है इसमें जो लेफ्ट साइड में जो ऑपरेंट है वो वही ऑपरेंट का अंदर स्टोर होगा, उसमें जितना ऑपरेंट्स है, सपोज दो ऑपरेंट्स है a प्लस इक्वल टू बी, मीन्स लेफ्ट में क्या है a, तो a इक्वल टू मीन्स a का अंदर स्टोर होगा, क्या स्टोर होगा, ए प्लस बी, मीन्स लेफ्ट प्लस राइट में जो जितना जो दो ऑपरेंट्स है टोटल ऑपरेंट्स का एडिशन करने में जो रिजल्ट होगा वही ए में स्टोर होगा। माइनस इक्वल टू ए भी ठीक ऐसे ही, माइनस इक्वल टू ए अलग हो गया बट ए की होगा, माइनस इक्वल टू ए माइनस इक्वल टू बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी, मीन्स ए लेफ्ट साइड में ए है, ए का अंदर स्टोर होगा ए माइनस बी का रिजल्ट,
उसके बाद ए मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ई मीन्स ए का अंदर स्टोर लेफ्ट साइड में ए है, ए का अंदर स्टोर होगा ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन करने में जो रिजल्ट होता है, सेम डिवाइडेड करने में जो होता है एंड मॉड्यूलस करने में जो होता है। बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड यूज होता है एंड एंड क्या करता है, सपोज इसमें दो ऑपरेंड्स है एक्सप्रेशन में, वो एक्सप्रेशन एंड को क्या करता है उसको सपोज ए एंड बी मीन्स ए दो जो एक्सप्रेशन में दो ऑपरेंड्स है इसको क्या करता है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड एंड ऑपरेशन बीट बाय बीट परफॉर्म करता है एंड और भी सेम ये क्या करता है बाइनरी ऑपरेंड्स को बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफर करता है एंड इसमें और ऑपरेंड्स सॉरी और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बीट बाय बीट एंड इसमें वो हो रहा है क्या एक्सक्लूसिव और बीट वाइज एक्सक्लूसिव और ये क्या करता है बोथ ऑपरेंड्स को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करता है बीट बाय बीट। ये हो रहा है कॉम्प्लीमेंट्स, एक कन्वर्ट करता है ऑपरेंड्स को इन कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्म में लेफ्ट इन लेफ्ट शिफ्ट एंड ये हो रहा है लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अभी रिलेशनल ऑपरेटर ए इक्वल टू इक्वल टू डबल इक्वल टू ए इक्वल टू इक्वल टू बी, बी मीन्स ए एंड बी दोनों का वैल्यू सेम यही समझने के लिए, नॉट इक्वल टू बी ए नॉट इक्वल टू बी मीन्स ए एंड बी सेम नहीं है ये समझने के लिए, ग्रेटर देन ए सपोज ए ग्रेटर देन बी मीन्स ए का वैल्यू बी का वैल्यू से ज़्यादा है मीन्स बड़ा है ये समझने के लिए मीन्स ग्रेटर देन है ग्रेटर है। ए लेस देन इक्वल टू बी मीन्स बी का वैल्यू ग्रेटर ए का वैल्यू स्मॉलर है ए स्मॉलर है। लेस देन इक्वल टू बी ए सपोज ए लेस देन इक्वल टू बी मीन्स क्या होता है ए का वैल्यू बी से बड़ा है और समान है। ए लेस देन इक्वल टू बी में ए का वैल्यू बी से छोटा है और समान इक्वल टू है। कंडीशनल ऑपरेटर कंडीशन इंटरोगेशन मार्क एंड ट्रू फॉल्स इंटरगेटिव मार्क ट्रू फॉल्स मीन सपोज एक एग्जाम्पल समझ लीजिए ऐसे करके लिखना होता है ऐसे करके ऐसे ऐसे करके लिखना होता है लेकिन सपोज एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग ए लेस देन इक्वल टू हंड्रेड जीरो अगर ए लेस देन इक्वल टू हंड्रेड मीन्स क्या होता है सपोज ए का वैल्यू 120 देन क्या हो रहा है ए का वैल्यू 1000 से सॉरी 100 से ज़्यादा हो रहा है मीन्स बड़ा हो रहा है 120 1000 100 से बड़ा तब क्या होता है ये ट्रू है मीन्स वन और फॉल्स होगा तो सपोज ए का वैल्यू 90 होगा वो 100 जीरो होगा। बिट वाइज ए एंड एंड वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है ये पॉइंट करता है वेरिएबल का साइज ऑफ डाटा टाइप का साइज निकालने के सपोज इसमें इंटीजर होगा तो इसका वैल्यू 4 होगा कैरेक्टर होगा तो 1 होगा यूनरी प्लस यूनरी माइनस के लिए यूज होता है ऐसा चीज ठीक है। ठीक है दोस्तों इसमें मेरा वीडियो खत्म होने जा रहा है, अगर आप लोग को ये वीडियो गुड एंड हेल्पफुल लगेगा तो आप लोग कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा ये वीडियो बनाने के लिए तो आप लोग कर दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। वीडियो कमेंट करके बताइए कैसे लग रहा है, अगर मेरा कुछ भी फॉल्ट आ रहा है तो वो भी बता दीजिए जो ये वो संशोधन करने के लिए करेक्शन करने के लिए मैं और मुझे अच्छा लगेगा बोलने में। कमेंट कर दीजिए लाइक शेयर कीजिए अगर अच्छा है तो अगर सब्सक्राइब करने के बाद मेरा वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। ठीक है थैंक यू माई वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट टाइम अलग टॉपिक का ऊपर वीडियो आएगा आप लोग देखिएगा ठीक है अच्छा लगेगा तो ठीक है बाय।